Yes, good morning students. Welcome to Divine Public School, class 2nd EVS. Class 2nd EVS, lesson number 4, cloth. Cloth means होते कपड़े. C-L-O-T-H-E-S, cloth. Cloth means कपड़े, जो हम पहनते हैं. Okay, बच्चों, children's. Like food, home. Like food, क्या पसंद है हमें? Food, खाना पसंद है. होम घर पसंद है. क्लॉथ आर ऑल्सो अ बेसिक नीड. ये हमारी एक बहुत जरूरी चीजें हैं जो हमें हमारे लिए बहुत जरूरी होती हैं. वी ऑल वियर क्लॉथ. हम सब क्या पहनते हैं? कपड़े पहनते हैं. क्लॉथ नॉट ओनली कवर अवर बॉडी बट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट कोल्ड रेन एंड इंसेक्ट बाइट सच एज मॉस्किटो. सिर्फ हमें कवर नहीं करते हैं कपड़े, क्या नहीं करते हैं? केवल हमको ढकते नहीं है, क्या करते हैं? हमारी सुरक्षा करते हैं सर्दी से, गर्मी से, बारिश से और कीड़े मकोड़ों से. हमको मच्छर खा जाते हैं, कोई कोई कीड़े खा जाते हैं, इंसेक्ट्स हमें बाइट कर जाते हैं, उनसे भी हमको बचाते हैं. दे ऑल्सो मेक अस लुक स्मार्ट एंड अट्रैक्टिव. और उसको पहनने से हम क्या लगते हैं? स्मार्ट भी लगते हैं, सुंदर लगते हैं और अट्रैक्टिव लगते हैं. वी वियर डिफरेंट क्लॉथ बेस्ड ऑन अवर चॉइस वेदर ओकेजन एंड द वर्क वी डू. हम जो कपड़े पहनते हैं वो किसके अकॉर्डिंग देखते हैं? हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग, कि हमको किस अकॉर्डिंग पहनना है. गर्मी के कपड़े पहनने हैं, सर्दी के पहनने हैं, शादी में जाने के लिए पहनने हैं या फिर स्कूल यूनिफॉर्म पहननी है, तो हम अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं. We wear clothes according to the weather. Weather means मौसम. मौसम के अकॉर्डिंग हम कपड़े पहनते हैं. We use woolen cloth in cold weather to keep us warm. जो woolen cloth होते हैं, ऊनी कपड़े जो होते हैं, वो हम कब पहनते हैं? कोल्ड में, ठंड में पहनते हैं. किसके लिए? गर्म रहने के लिए. हम लोग ये मैम ने जो वुलन पहन रखा है वो किसके लिए पहन रखा है? कोल्ड है और वार्म के लिए, गर्मी के लिए, कि मैम को ठंड नहीं लगे, इसलिए मैम ने क्या पहन रखा है? वुलन क्लॉथ. वी यूज कॉटन क्लॉथ इन द हॉट वेदर. और जब गर्मी आ जाती है तो हमें कौन से कपड़े पहनने चाहिए? कॉटन के, सूती कपड़े पहनने चाहिए. द कॉटन क्लॉथ अब्सॉर्ब अवर स्वेट. वो हमारे स्वेट, SWEAT, स्वेट. स्वेट मीन्स होता है पसीना. पसीने को सोख लेता है. क्या कर लेता है? सोख लेता है. When it rains, we use umbrellas, raincoats and gumboots to protect us from getting wet. और बारिश में हम किस चीज का यूज करते हैं? अम्ब्रेला, छतरी का, रेनकोट्स का और gumboots protect us getting wet. हमें गीले होने से बचाता है. Wet means गीला होना. WET, wet. Wet means गीला होना. We also wear clothes that dry easily. वो हमें आसानी से सूखा रख सकते हैं. ये सारी चीजें हमें सूखी बारिश में भी रख सकती हैं. We wear clothes according to occasion. Occasion के according हमें हमारे कपड़े पहनने चाहिए. जब हम कोई शादियों में जाते हैं तो अलग कपड़े पहनते हैं, बर्थडे पार्टीज में जाते हैं तो कुछ अलग पहनते हैं, स्कूल्स में आते हैं तो कुछ अलग पहनते हैं, या किसी रिलेशन में जाते हैं तो अलग कपड़े पहनते हैं. अकॉर्डिंग टू ओकेजन, अवसर के हिसाब से. वेन एवर देयर इज सम स्पेशल ओकेजन लाइक मैरिज, फेस्टिवल्स, बर्थडे पार्टी, ETC, वी वियर स्पेशल ड्रेसेस. इसमें हमें कुछ स्पेशल पहनना होता है. वी वियर क्लॉथ अकॉर्डिंग टू द वर्क. हमें हमारे काम के अकॉर्डिंग भी पहनना होता है. सम पीपल वियर स्पेशल क्लॉथ नो यूनिफॉर्म. उसको क्या कहते हैं हम? जो स्पेशल होते हैं, सब एक जैसे पहनते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? यूनिफॉर्म. स्कूल में हम क्या पहनते हैं? आपको देखा होगा कि आप लोग सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एक जैसी यूनिफॉर्म पहनते हैं, टीचर्स एक जैसी पहनते हैं, तो वो हमारी क्या है? यूनिफॉर्म है. क्या है? यूनिफॉर्म. पीपल लिविंग इन डिफरेंट एरियाज वेयर डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रेसेस. अलग अलग एरिया, अलग अलग जगह की अलग अलग ड्रेसें होती हैं. पीपल लिविंग इन डिफरेंट कंट्रीज ऑल्सो वियर डिफरेंट ड्रेसेस.
लोग जो अलग अलग कंट्रीज में रहते हैं देश में, राजस्थान में अलग पहनते हैं, मध्य प्रदेश में अलग पहनते हैं, उत्तर प्रदेश में अलग पहनते हैं, जहाँ जैसे लोग रहते हैं वो वहाँ की ड्रेस को पहनते हैं। वी शुड ऑलवेज वियर क्लीन एंड वेल आयरन क्लॉथ, हमें हमेशा साफ सुथरे और प्रेस करे हुए ही कपड़े पहनने चाहिए, गंदे नहीं पहनने चाहिए कि उठे और पहन लिए, क्या होते हैं ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा कैसे पहनने चाहिए, साफ सुथरे और प्रेस करे हुए ही कपड़े पहनने चाहिए। यस, नाउ वी स्टार्ट बुक। आपको सबसे पहले दिया हुआ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, राइट द टिक द करेक्ट ऑप्शंस। ओके बच्चों, वी यूज वूलन क्लॉथ, जो गर्म कपड़े होते हैं वो कब पहने जाते हैं, विंटर में। कब पहने जाते हैं बच्चों, विंटर में। कब पहने जाते हैं, विंटर, डब्ल्यू आई एन टी ई आर, विंटर में पहने जाते हैं। ओके बच्चों, तो विंटर के आगे क्या लगाएंगे, हम टिक लगाएंगे। सेकंड वाला देखो, वी वियर कॉटन क्लॉथ, जो सूती कपड़े होते हैं वो कब पहने जाते हैं बच्चों, हॉट वेदर में, गर्मी के मौसम में। एच ओ टी हॉट, डब्ल्यू ई ए टी एच ई आर, वेदर, हॉट वेदर में। ओके बच्चों, नंबर थ्री देखो, वी वियर क्लॉथ अकॉर्डिंग टू वेदर, ओकेजन, जॉब्स, ऑल। हमें जो भी अपने अकॉर्डिंग पहनना होता है ना, जॉब पे जाते हैं तो अलग पहनते हैं, शादी में, बर्थडे में, किसी ओकेजन में, किसी फेस्टिवल में जाते हैं, तो सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। तो थर्ड वाले पे आएगा ऑल। वी शुड ऑलवेज वियर, कैसे पहनने चाहिए हमें, डर्टी क्लॉथ या क्लीन क्लॉथ, क्लीन क्लॉथ, साफ सुथरे, सी एल ई ए एन, क्लीन, सी एल ओ टी एच ई एस, क्लॉथ, क्लीन क्लॉथ। ओके बच्चों, ये हो गए आपके टिक द करेक्ट ऑप्शंस। ओके, इसके बाद है आपके ट्रू फॉल्स। क्या है बच्चों, ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में वन नंबर पे देखिए क्या है आपको, पीपल ऑफ डिफरेंट प्रोफेशंस वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके कपड़े पहने जाते हैं, राइट। तो फर्स्ट वाले में आएगा ट्रू। सेकंड वाला देखिए, वी शुड कीप अवर क्लॉथ नीट एंड क्लीन, हमें कैसे पहनने चाहिए, साफ सुथरे, ट्रू। ओके, पीपल ऑफ ऑल कंट्रीज वेयर सेम टाइप ऑफ क्लॉथ, हर जगह एक जैसे कपड़े पहने जाते हैं, रॉन्ग, फॉल्स। एंड नंबर फोर, वी वेयर वूलन क्लॉथ इन समर, वूलन, गर्म कपड़े समर में पहनते हैं, रॉन्ग, फॉल्स। ओके, ये आपको किसमें फिल करनी है, अपनी बुक में, किसमें फिल करना है बच्चों, बुक में। इसके बाद देखिए, आपको ये दिख रहा है फिल किया हुआ, मैच द पिक्चर, ये आपको दे रखा है, स्कूल, पोस्टर, पोस्टमैन, नर्स, डॉक्टर और पुलिसमैन, आपको पिक्चर देखकर इसको मैच करना है बुक में, ठीक है बच्चों, आपको पिक्चर देख के अपनी बुक में इसको फिल करना है। ओके, यस, नाउ नंबर डी, डी पे आपको है फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी आपको अपनी बुक में ही फिल करना है। मैंने आपको पहले भी बताया है, नोटबुक में केवल आपको ओनली फॉर ओनली वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर ही राइट करने हैं, बाकी जो भी बुक वर्क मैम आपको करवाती है वो आपको अपनी बुक में ही फिल करना है। ओके, डी वाला देखिए, फिल इन द ब्लैंक, नंबर वन, अ डैश, वियर्स, पहनना, वियर्स मीन्स पहनना, अ एस पी ई सी आई ए एल, स्पेशल
यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म, UNIFORM, यूनिफॉर्म. तो सोल्जर्स, SOLDIER, है ना, सोल्जर्स. ठीक है, नंबर सेकंड देखिए, VWE, VNEED, नीड, CNOTH, क्लॉज टू डैश ओ यू आर आवर BODIES, बॉडीज. क्या करती है? वी नीड क्लॉथ, कपड़े हमारी बॉडी को क्या करते, कवर करते हैं. क्या करते हैं? कवर, COVER, कवर. कवर मीन्स ढकना, हमारी बॉडी को ढकते हैं. ओके, नाउ नंबर थ्री, WE, VR, CO-DASH, CLOTHES, CLOTHES, IN, HOT, HOT, WEATHER, HOT WEATHER, HOT WEATHER. गर्मियों में कौन से कपड़े पहनते हैं हम? कॉटन, COTTON, कॉटन. कौन से कपड़े पहनते हैं गर्मियों में? कॉटन के. नाउ नंबर फोर, वी यूज, WE, VUSE, डैश, व्हेन इट रेन, व्हेन इट रेन्स. बारिश में क्या यूज करते हैं हम? रेन कोट, RAIN, रेन COAT, कोट. ठीक है, फाइव नंबर पे देखो, पीपल, PEOPLE, पीपल ऑफ डिफरेंट, पीपल ऑफ डिफरेंट प्रोफेशंस, PROFESSIONS, प्रोफेशंस. वियर, WEAR, वियर. डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट. क्या पहनते हैं? अलग अलग, अलग अलग जगह की अलग अलग क्या होती है? यूनिफॉर्म होती है. स्कूल की अलग होती है, पुलिस वालों की अलग होती है, डॉक्टर्स की अलग होती है ना, अपने अपने काम के अकॉर्डिंग अलग अलग यूनिफॉर्म होती है. ओके, ये अब आपको किसमें फिल करनी है? अपनी बुक में. किसमें फिल करनी है? बुक में.